आगामी परीक्षा के को टारगेट करते हुए आगामी जो परीक्षा है, एक तो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की 9 अप्रैल को, और वीडियो परीक्षा भी होगी। अभी उसका समय बिल्कुल निर्धारित तो नहीं हुआ, लेकिन आप मान लो कि भाई 2 से 4 महीने लगभग मान लो, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 2 से 4 महीने के बीच में जब भी आपका पेपर होगा तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो एक पुराना पेपर जो है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। जो वीडियो का पेपर देखो, एक तो 2018 में जो एक हुआ था 2016 में, तो उसमें भी नकल हो गई थी, फिर 2018 में दोबारा से हुआ था, ठीक है। फिर आपका दिसंबर 2021 में फिर हुआ था, तो उसमें भी नकल हो गई थी। अब दोबारा ये हो रहा है, जब भी होगा 2-4 महीने में। तो जो 2018 को 25 फरवरी को पेपर हुआ, ठीक है, इसके हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कैसे उस समय क्वेश्चन आए थे। जो भी ये टारगेट लेके चल रहे कि भाई हमें वीडियो का ही करना है आगे, है ना, तो उनके लिए मैं ये लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको अलंकार, ठीक है, यमक होगा या श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश या उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। तो पुराने सिलेबस के कनिष्ठ सहायक में तो इन्होंने अलंकार हटा दिया था, लेकिन इस वाले में आपका आएगा, ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग की पटकथा के लेखन किसने किया। दूरदर्शन का एक धारावाहिक है हम लोग, तो ये किसने लिखा है, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जिन्होंने कुमाऊनी उपन्यास भी लिखे, है ना, रेडियो टीवी सब जगह काम किया, पत्रकारिता में भी रहे और धारावाहिक भी लिखे, फिल्में भी लिखी, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है। नेक्स्ट है अवनी का विलोम क्या है, अवनी का विलोम, तो अवनी होती है धरती, इसका विलोम क्या होगा, अंबर। नेक्स्ट अगला है संख्यैश्वर्य, इसमें बताना है आपको संधि कौन सी है, ठीक है, संख्यैश्वर्य, तो ये हो जाएगा यण, है ना, इसमें क्या आ जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यण संधि की पहचान नॉर्मली क्या हो जाती है कि आपके य और व से पहले आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है, जैसे क्या हो जाएगा स्वागत, प्रतीक, प्रत्यागमन, स्वच्छ। अगला देख लेते हैं, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा है इसमें, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, ये हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, ठीक है, 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। नेक्स्ट है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों का पद नाम, उनका विवरण, कार्यवृत्त की रेखांकित कार्यों की विचार विमर्श का विवरण क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन है कि प्रेस विज्ञप्ति बोलेंगे, परिपत्र, कार्यवृत्त या कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, कार्यवृत्त हो जाएगा इसका आंसर। अगला है करदम का पर्यायवाची, करदम किसको बोला जाता है, ठीक है, करदम होता है कीच, है ना, कीच या कीचड़ को बोलते हैं करदम। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो देखो जिस प्रकार से पर्यायवाची विलोम आ रहे हैं, तत्सम तद्भव आ रहे हैं, यानी आपकी हिंदी का, हिंदी की शब्दावली जितनी मजबूत होगी, हिंदी के क्वेश्चन तब आपके सही होंगे, 80% या 90% या उससे ज्यादा आप सही करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये वाली चीज आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग जो भी किताबों से जहां भी आपको नया शब्द मिल रहा है उसका अर्थ क्या है ना, वो आपको नोट करना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। तो देखो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, वाक्य के भेद 8 है, रचना के आधार पर 3 होते हैं, है ना। तो इसमें पूछा हुआ है कि सरल, संयुक्त, विस्मय, आदि बोधक और मिश्र कौन सा अर्थ के आधार पर है, तो सरल, संयुक्त और मिश्र तो रचना के आधार पर है, तो विस्मय वाला क्या हो जाएगा, अर्थ अर्थ के आधार पर हो जाएगा। गरल सुधार रिपु करही मिताई, ये लोकोक्ति है, इस बार भी आपने काफी लोकोक्ति देखी कनिष्ठ सहायक में, तो लोकोक्ति पूछी गई है, गरल सुधार क्या हो जाएगा, विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, गरल हो जाता है विष, सुधा मतलब अमृत, है ना, इन दोनों ने दोस्ती कर ली है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, दो विरोधी स्वभाव जब के लोग मिलते हैं तब ये कहावत बोली जाती है। फिर त्र वर्ण कैसे किसके बाद आता है, त्र किससे आएगा, त और र, तो त के बाद आएगा। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में ताजी घटना का उल्लेख करना, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, किसी घटना के मुद्दे पे जब आप लेख लिख रहे हो और कोई ताजी घटना उसमें साथ में बता दी आपने, तो
जैसे आप भूकंप के ऊपर निबंध लिख रहे हो है ना, और तुर्की में भूकंप आ रखा है, और उसका भी क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया, तो भूकंप के ऊपर निबंध लिखते हुए आपने तुर्की के भूकंप का लिख दिया कि भाई यहाँ पे भी आया है हाल ही में, तो उसको बोलते हैं न्यूज पेग। क्या बोलेंगे? न्यूज पेग। ये टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो UK SSC के सिलेबस में जनसंचार, पत्रकारिता, रेडियो, टीवी, ये सब है आपका, कंप्यूटिंग हिंदी में, ये वाला भी चीज आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है, अब चला जाए, ये कौन सा इसमें वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य, कर्तरवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं? तो तीन ही वाच्य होते हैं, इसमें हो जाएगा भाव, अब चला जाए, ठीक है, भाव है इसमें। फिर औलाद कैसा शब्द होगा? औलाद ये हो जाएगा अरबी का, ठीक है, औलाद है अरबी, आमदनी होता है फारसी। फिर ज्ञानपीठ किसे नहीं मिला? इनमें से बताना है, दिए हुए ऑप्शन में से कौन ज्ञानपीठ प्राप्त करता नहीं है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, तो माखनलाल को नहीं मिला हुआ है। माखनलाल को पहला साहित्यकार में मिला हुआ है, हिम तरंगनी के लिए 1955, यानी कि आपको सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के किस किस को मिले हैं, इसके अलावा साहित्य अकादमी जो हिंदी के सिलेबस में है, हिंदी राइटर की अगर PDF आपको चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, 23 राइटर की PDF आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो हमने 150 रुपये में 30 टेस्ट पेपर और साथ में हिंदी की PDF भी मिलेगी आपको, साथ में 500 क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, तो डेमो टेस्ट भी आप ले सकते हो कि किस कैसे टेस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो फिर संज्ञा क्रियापद के साथ सही कौन सी जुड़ी हुई है, इसमें से बताना है कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ सही आ रही है। पहली का समाधान, धन्यवाद देना, मिलने की बेचैनी या जल की मात्रा, ठीक है, तो जल की मात्रा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। UK SSC का भी लेवल आपको पता है कि हिंदी और उत्तराखंड काफी अच्छे लेवल का देता है, और बल्कि GS थोड़ा सा वो ठीक ठाक ही देता है, और हिंदी उत्तराखंड वो ज्यादा थोड़ा लेवल अप रखता है ना, जबकि यहाँ पे क्या है कि हिंदी थोड़ा ठीक ही आती है UKPSC में, उत्तराखंड भी, लेकिन GS का लेवल अच्छा खासा रहता है इसमें। फिर महापंडित की उपाधि किसे दी गई? तो राहुल शंकर जैन को बोलते हैं महापंडित। वह खंभा गिर जाएगा, 17वां प्रश्न है, तो सारे प्रश्न बता रहा हूँ मैं इसमें हिंदी के आपको सारे। वह खंभा गिर जाएगा, इसमें क्या बताना है, कौन सा विशेषण है? देखो जब यह और वह बोल दिया तो निश्चित हो जाता है, तो निश्चयवाचक होगा, अगर कोई यह आ जाता कोई, तो कोई में क्या अनिश्चयवाचक है, अगर यह आ जाएगा यह काम मैं आप ही कर लूंगा तो निजवाचक हो जाएगा। फिर अष्ट छाप क्या है? अष्ट छाप यह 8 कवियों का समूह, जिसके मुखिया कौन थे? सूरदास, है ना, अष्ट छाप का प्रधान बोलते हैं सूरदास को, 1565 में अष्ट छाप की स्थापना हुई। फिर है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक पद का संबंध दूसरे पद से बताए तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक होता है। फिर दो अलग अलग बातों को, जैसे आपने लिखा है राम दिल्ली जाता है ना, और दूसरी बात है मोहन मुंबई जाता है, तो इनको जोड़ोगे कैसे? और लगा दिया, अब और क्या है, समुच्चय बोधक है, और को बोलेंगे हम समुच्चय बोधक। फिर उत्सर्ग का अर्थ क्या है? उत्सर्ग का हो जाता है दान, तो इसी तरह देखो, इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको अलग अलग हिंदी की शब्दावली मजबूत करनी है। उत्सर्ग का अगर आपको अर्थ ही नहीं पता उत्सर्ग क्या है तो सही कहां से होगा, है ना, विलोम और पर्यायवाची भी तभी हो सकते हैं जब उनका अर्थ हमें मालूम है, ठीक है, तत्सम तद्भव भी कुछ हद तक हमें मालूम होना चाहिए कि संस्कृत से कौन सा लिया होगा, कौन सा संस्कृत का नहीं है। फिर भी कई बार टफ आ जाता है थोड़ा, जैसे इस बार दूल्हा का दे दिया था, है ना, अब उसका आंसर दुर्लभ दिखा रहा है, देखो तो दुर्लभ किसी ने भी नहीं सोचा होगा, बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल 2-3% या 1-2% बच्चे, मेरे हिसाब से तो 4-5% बच्चे ही मुश्किल से करके आए होंगे उसको सही, है ना, क्योंकि दुर्लभ होता है जो आसानी से लब्ध नहीं है, नहीं हो सकता, सुलभ उसका उल्टा हो जाएगा, सुलभ दुर्लभ है ना, और वो दूल्हे का संस्कृत में हो गया, तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपने पढ़ा है एग्जैक्ट उसी पे बिल्कुल भरोसा होता है, बाकी आप तुक्केबाजी कर रहे हो, है ना, तो तुक्केबाजी में तो देखो ये डामाडोल होता है कि भाई होगा नहीं होगा, तो जो आपने पढ़ा है, और ठीक है, तो
तो ये होगी आपकी हिंदी का पोर्शन, है ना। 2018 वीडियो पेपर के 20 नंबर की आपकी हिंदी थी। इसके बाकी क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।